गुड मॉर्निंग, टुडे इज 9th of July 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे जयंत सिन्हा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने मॉब लिंचिंग के आरोपियों को सम्मानित किया जब उन्हें बेल मिली। आर्टिकल के हिसाब से ये बहुत गलत बात है, अभी उन्हें सिर्फ बेल मिली है, मुकदमा उन पर चल रहा है अभी भी कोर्ट में, और कोर्ट ने उनको एक्विट नहीं किया है। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में गलत सिग्नल जाता है। नीचे ये जो आर्टिकल है वो ट्रेड वार के बारे में है, नहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ऑलरेडी जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे यूएसए के द्वारा जो पहले अनाउंस किया गया था कि चाइना से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर वो टैरिफ को इंक्रीज करेंगे, 7 जुलाई से यूएसए ने अपने उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दिया है। तो अब यूएसए ने अनाउंस करके रखा है कि $500 बिलियन का चाइना से जो ट्रेड होता है सब पे टैरिफ को इंक्रीज किया जाएगा 25% तक। राइटर के हिसाब से इससे कुछ फायदा नहीं होगा, यूएसए में भी इन्वेस्टमेंट कम आएगी और यूएसए में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर्स के लिए और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, यूएसए की जो कंपनीज हैं वो घाटे में जाएंगी, इससे यूएसए में जॉब लॉस भी होगा और यूएसए आइसोलेशन में भी चला जाएगा। ऑलरेडी TTP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें पहले 12 देश थे लेकिन यूएसए बाहर निकल गया, तो उसमें अब 11 देश हैं लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही हैं। तो यूएसए के जो काम है इससे इंटरनेशनल रूल बेस्ड जो ऑर्डर है वो भी प्रभावित हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है इस आर्टिकल में। बीच में ये जो बड़ा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, दिल्ली को किस प्रकार से गवर्न किया जाए। राइटर अपने पॉइंट्स को बताने के लिए एक स्टोरी बताते हैं, स्टोरी आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। देखो M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिस कंपनी का आज नाम है, जिसकी स्कॉर्पियो गाड़ी है, XUV500 है, जीप है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद हिस्सेदार थे इस कंपनी में, लेकिन जब दो देशों का बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का, गुलाम मोहम्मद चले गए पाकिस्तान में, वहां पर उनको लियाकत अली के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन बाद में लियाकत अली की डेथ हो गई थी तो गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। उस समय जब 1950 के आसपास ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पर जब लैंग्वेज राइट्स हुए तो गुलाम मोहम्मद जो कि गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसीरुद्दीन को सस्पेंड कर दिया गया, यानी पद से हटा दिया गया। बाद में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कोशिश की कि गवर्नर जनरल को पद से हटा दिया जाए, लेकिन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ही सस्पेंड कर दिया। देखो हमारा संविधान तो बहुत जल्दी आ गया था, 1950 में हमारा संविधान आ गया था, लेकिन पाकिस्तान का संविधान बहुत लेट आया, 1956 में, 1956 में। तो गवर्नर जनरल के पास पावर्स आ गई जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को सस्पेंड किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद उस समय बीमार हो गए तो उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र सिकंदर मिर्जा को पावर्स सौंपी, लेकिन सिकंदर मिर्जा ने क्या किया, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को पद से हटा दिया और खुद ही सारी पावर्स हड़प ली। बाद में ये केसेस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है, नेसेसिटी के हिसाब से है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो सिकंदर मिर्जा जिनके पास पावर्स आई उन्होंने अपने हिसाब का एक मिलिट्री जनरल नियुक्त किया जिनका नाम था अयूब खान। अयूब खान ने भी सिकंदर मिर्जा को पद से हटा दिया और खुद अपने पास पावर्स कॉन्सेंट्रेट कर ली। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि राइटर के क्या कंसर्न्स हैं, मतलब कुछ भी डेमोक्रेसी नहीं थी पाकिस्तान में और आज भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर पाती। मौके के हिसाब से जिसके पास पावर्स आई उसी ने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया। इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं थी शुरुआती स्टेजेस में पाकिस्तान में, और दिल्ली का जो जजमेंट है उसे आप इसी दृष्टि से अब समझने की कोशिश कीजिए। राइटर के हिसाब से हमारे संविधान में प्रोविजन ये है कि दिल्ली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड एंड एडवाइस देगी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर लगता है कि जो उनकी राय है वो अलग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, तो वो मामले को सौंप सकते हैं प्रेसिडेंट को, रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ताकि प्रेसिडेंट के ऑर्डर का इंतजार किया जाए कि किस प्रकार से उस मामले को आगे लेके जाना है। लेकिन अगर कोई अर्जेंट काम है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी तरफ से भी ऑर्डर दे सकते हैं कि किस प्रकार से उस काम को करना है। लेकिन देखो ये रेयर प्रोविजन था, सिर्फ तब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर कि जो ओपिनियन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से अलग हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक मामले पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मामला सौंप रहे हैं प्रेसिडेंट को, इससे तो जो चुनी हुई सरकार है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। चुनी हुई सरकार
कि अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति। देखो हमारे देश की जो गवर्नेंस है वो पार्लियामेंट्री बेस्ड गवर्नेंस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मिनिस्टर की भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमारे देश में अनार्की नहीं हो सकती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है वो बिल्कुल सही है। हमें डिसाइड करना होगा हमें पाकिस्तान के हिसाब से चलना है या फिर हमें हमारी डेमोक्रेसी के हिसाब से चलना है। देखो पूरे दुनिया भर में हमारे देश की डेमोक्रेसी की तारीफ की जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी चलती है इंस्टीट्यूशंस के बेस पे। अगर इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया जाएगा तो कैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी, कैसे हमारा नेशन सर्वाइव कर पाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल है, पॉइंट्स नए नहीं है, लेकिन जो स्टोरी है वो आप ऐसे में यूज कर सकते हो। पाकिस्तान के साथ जो कंपैरिजन है वो भी आप यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं। नीचे का आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, 2-3 दिन हो गए। किस प्रकार से अगर पेड़ों को काट के वहां पर डेवलपमेंट लाई जाती है और नई जगह पर पेड़ों को उगाया जाता है तो इससे कोई फायदा नहीं होता, उन्हीं पॉइंट्स को इस आर्टिकल में फिर से रिपीट किया जा रहा है। दूसरे पेज पे यहां पे जो आर्टिकल है वो यूएसए और यूके की इकोनॉमीज के बारे में है, सारे के सारे जो पॉइंट है उनकी इकोनॉमी से संबंधित है। इंडिया का कहीं भी एंगल नहीं है इस आर्टिकल में, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी। और यहां पे ये आर्टिकल मंडे को आता है, इंपोर्टेंट नहीं होता द हिंदू ने कौन सी पेज को प्रायोरिटी दी कौन से पेज पे। तो आज देखो द हिंदू में एक भी आर्टिकल इंपोर्टेंट नहीं है, सारे आर्टिकल्स पुराने हैं, सारे पॉइंट्स नए हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के भरोसे पेपर नहीं क्लियर किया जा सकता, अलग से हम बढ़िया आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में कवर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे लाइव मिंट का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वुमन सेफ्टी से संबंधित, बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन के बावजूद इंडिया एक्सपोर्ट में इजाफा क्यों नहीं कर पा रहा है। उसके बाद दैनिक ट्रिब्यून का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स एब्यूज़ की प्रॉब्लम के बारे में, पंजाब में ड्रग्स एब्यूज़ की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा इवन केस स्टडी में भी, कई बार केस स्टडी में पूछ लिया जाता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, ड्रग्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप किस प्रकार के स्टेप्स उठाओगे। तो काफ़ी पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस आर्टिकल से जो कि आप यूज़ कर सकते हो केस स्टडी में भी। नेहरू का कोट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो कई जगह पर, फेलियर कम्स ओनली व्हेन वी फॉरगेट आवर आइडियाज आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। फेलियर देखो तभी आती है जब हम हमारे आइडियल्स को भूल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं और प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं। संविधान के कंटेक्स्ट में आप इस कोट को इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों संविधान के प्रोविजंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल वुमन सेफ्टी से संबंधित है, आप GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, पिछले महीने यानी 26 जून 2018 को थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन के द्वारा एक रैंकिंग पब्लिश की जाती है, एक रिजल्ट पब्लिश किया जाता है सर्वे का। इस रैंकिंग में बताया जाता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक जगह है महिलाओं के लिए, इवन अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, इन देशों में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं एज कंपेरिजन टू इंडिया। थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन ने 584 यानी 584 एक्सपर्ट्स से क्वेश्चंस पूछने के बाद इस रैंकिंग को रिलीज किया, और क्वेश्चंस पूछे गए थे 6 कैटेगरीज में, जैसे हेल्थ से संबंधित कैटेगरी, कल्चर, ट्राइबल, रिलीजियस और कस्टमरी प्रैक्टिसेस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, इन सभी कैटेगरीज में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि 2011 में जब इसी फाउंडेशन के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उसके बाद से अब क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखो जब इसी फाउंडेशन के द्वारा, थॉमस रूटर्स फाउंडेशन के द्वारा 2011 में सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उस समय इंडिया 4th मोस्ट डेंजरस कंट्री था महिलाओं के लिए, यानी चौथा सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश महिलाओं के लिए। उस समय अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश था महिलाओं के लिए, लेकिन इस साल इंडिया को संज्ञा दी गई है इस फाउंडेशन के द्वारा, इंडिया सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश है महिलाओं के लिए। अब देखो जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश होती है एक काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से नकार दिया जाता है इस रिपोर्ट को। इवन हमारे देश की वेरियस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वो भी कहती हैं ये अटेम्प्ट है वेस्ट का इंडिया की छवि को धूमिल करने का। और राइटर के हिसाब से कहीं कहीं ये बातें सही भी हैं, क्योंकि जो सर्वे कंडक्ट किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस सर्वे में बहुत सारी खामियां हैं। अगर हम कमियों की बात करें, देखो इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे रिलीजियंस, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स इंडिया में रहते हैं। तो क्या सिर्फ 584 पर्सन की ओपिनियन के आधार पर ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश है महिलाओं के लिए पूरे वर्ल्ड में?
पूछा गया इस फाउंडेशन से, आप बताइए तो सही आपने किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे, कौन से पर्सन से आपने क्वेश्चन पूछे, आपका फार्मूला क्या है यह निष्कर्ष निकालने का कि इंडिया सबसे ज्यादा असुरक्षित देश है। लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी ये फाउंडेशन नहीं दे पाई अपने सर्वे के मेथडोलॉजी के बारे में। तो आप कह सकते हो कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज के ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, जो रेप्स हैं, सेक्सुअल वायलेंस हैं, महिलाओं के प्रति क्राइम्स हैं, ये जो समस्याएं हैं वो किसी एक देश एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये समस्याएं ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में हैं। क्या इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया इन देशों से भी ज्यादा असुरक्षित है महिलाओं के लिए? कतई नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में तो आजादी भी नहीं है महिलाओं को बोलने की। अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया में सरकार ने यह डिसीजन लिया था कि महिलाएं भी ड्राइव कर सकेंगी। इतने सालों बाद सऊदी अरेबिया की सरकार के द्वारा यह डिसीजन लिया गया, डांस नहीं कर सकती वहां पे महिलाएं। तो सोच के देखिए कैसे इंडिया ज्यादा असुरक्षित है महिलाओं के लिए एज कंपेरिजन टू पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। तो आप कह सकते हैं इस फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज का एक प्रोपगेंडा है। थॉमस रियटर्स फाउंडेशन ने अपनी सफाई में कहा, हमारा जो सर्वे है वो ऑफिशियल डेटा को कंप्लाई करता है, लेकिन राइटर के हिसाब से ये गलत बात है। क्योंकि देखो थॉमस रियटर्स फाउंडेशन को हमारे देश की बेसिक ग्राउंड रियलिटीज के बारे में भी नहीं पता है। एसिड अटैक्स को क्लब किया गया है कल्चरल प्रैक्टिसेस में। आप बताइए क्या हमारे देश में जो एसिड अटैक्स होते हैं महिलाओं पे, क्या वो कल्चरल प्रैक्टिसेस का पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। असामाजिक तत्वों के द्वारा, क्रिमिनल्स के द्वारा इस प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं। चलो ये तो हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया कि थॉमसन रियटर्स फाउंडेशन के द्वारा जो सर्वे कंडक्ट किया गया था, जो रिजल्ट है, जो रैंकिंग है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन एक बात पर तो आप भी सहमत होंगे, वुमन सेफ्टी एक बड़ा इशू है हमारे देश में। आप रैंकिंग पे मत जाइए लेकिन फिर भी इशू तो है ना। विभिन्न सरकारों ने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं वुमन सेफ्टी की समस्या को एड्रेस करने के लिए, लेकिन आज भी वुमन अनसेफ फील करती हैं जब वो बाहर निकलती हैं। 10 बजे से पहले वुमन यानी महिलाएं अगर घर में नहीं आती तो पेरेंट्स को चिंता होने लगती हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि इस रिपोर्ट के बाद एक बड़ी डिबेट चलती हमारे देश में कैसे वुमन सेफ्टी की समस्या को एड्रेस किया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पूरी तरह से नकार दिया था इस रिपोर्ट को। इवन हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर वुमन है, उन्होंने भी कहा कि देखो ये बात सच है कि रेप्स के जो आंकड़े हैं वो हमारे देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि महिलाओं का जो विश्वास है जस्टिस सिस्टम में वो बड़ा है। पहले महिलाओं के साथ रेप होता था तो वो खुल के बाहर नहीं आती थी, वो रिपोर्ट नहीं करती थी पुलिस को, लेकिन आजकल महिलाएं रिपोर्ट करने लगी हैं पुलिस को। जो आंकड़ा बड़ा है वो एक्चुअल में कम हो रहा है, लेकिन क्राइम्स, महिलाओं के प्रति जो क्राइम्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा होने लगी है, इस वजह से ये आंकड़ा बड़ा है। जिस प्रकार के रिएक्शंस आए, जिस प्रकार की रिपोर्टिंग हुई थॉमस रियटर्स फाउंडेशन की इस रिपोर्ट के बाद, इस रैंकिंग के बाद, उससे देखो प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है वुमन सेफ्टी से संबंधित। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आप एक बात बताइए, कोई भी क्लास हो, कास्ट हो, ज्योग्राफी हो, कलर हो, रिलीजन हो, प्रोफेशन हो, इन सभी आइडेंटिटीज में आप वुमन की कंडीशन को एनालाइज कीजिए। वुमन की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। इन सभी आइडेंटिटीज को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वुमन सेफ्टी एक बड़ा इशू है। इस रिपोर्ट पे ना जाते हुए सरकार को बहुत सारे स्टेप्स उठाने होंगे। कई बार जब महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम्स हो जाते हैं तो विक्टम्स को यानी महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है, उनकी शेमिंग होती है, उनको ही ब्लेम किया जाता है। हमारे देश में पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेन करने की आवश्यकता है कि वो इन वुमन क्राइम से संबंधित जो मामले होते हैं उन पे सेंसिटिविटी दिखाएं। और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जो सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं, लेकिन देखो बार बार ये बोलने से कि हमारे देश में वुमन्स की कंडीशन, वुमन्स की सेफ्टी संबंधी जो प्रॉब्लम है वो सीरिया जितनी खराब नहीं है या फिर अफगानिस्तान जितनी खराब नहीं है, ये बोलने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगी। ग्राउंड रियलिटीज को चेंज करना होगा। लास्ट में कंक्लूजन में बोला जाता है ये इशू कोई कंपटीशन वाला इशू नहीं है कि देखो हमारी रैंकिंग नीचे है, आपकी रैंकिंग ऊपर है। अगर चिल्ड्रंस का रेप होता है उनको मारा जाता है, महिलाओं का रेप होता है उनको मारा जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी होता है ये एक चिंता की बात है, और सभी कल्चर्स में, ऑलमोस्ट सभी नेशंस में ऐसा होता है। इसीलिए सभी कंट्रीज को मिलकर काम करना होगा इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। आजकल जो वर्ल्ड है वो और ज़्यादा हाइपर मस्कुलिन होता जा रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पर जेंडर नॉर्म्स और जो जेंडर रोल्स हैं बहुत ज़्यादा वुमन के अगेंस्ट हैं।
बॉडीज को सेक्सुअलाइज कर दिया जाता है इससे पहले कि ह्यूमन बींग्स को पता लगे। तो देखो, अगर वुमन सेफ्टी से संबंधित प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो पहले तो एक्नोलेज करना होगा। जब तक आप एक्नोलेज करने से ही इंकार करते रहोगे तो कैसे आप समस्या का समाधान करोगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमन सेफ्टी से संबंधित। देखो, वुमन सेफ्टी से संबंधित आपको अगर आंसर लिखना हो तो आप सभी डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर। अगर देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, बच्चे के जन्म के समय ज़्यादा महिलाओं की डेथ होती है, तो इसका मतलब हेल्थ केयर की कैटेगरी में महिलाओं की सेफ्टी सिचुएशन अच्छी नहीं है। उसके बाद कल्चरल, ट्राइबल, रिलीजियस और कस्टमरी प्रैक्टिसेस और एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। आमतौर पे देखो, जब वुमन सेफ्टी से संबंधित आंसर लिखना हो तो आप सेक्सुअल वायलेंस पे ज़्यादा फोकस करते हो, लेकिन बाकी जो कैटेगरीज हैं, बाकी जो डायमेंशंस हैं, वो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। देयर इज इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट वुमन्स सेफ्टी इन पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में वुमन सेफ्टी के बारे में जो कंसर्न्स हैं वो काफ़ी सारे इंक्रीज हो गए हैं। हाउ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमन इन आवर कंट्री। हमारे देश में वुमन्स की सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाए, एग्जामिन करना है आपको 250 वर्ड्स में। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एक्सपोर्ट्स के बारे में है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? एक चीज़ आपको पता है कि आजकल रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। एक डॉलर की जो कीमत है आजकल 69 रुपीज के आसपास है। और देखो, जब भी रुपए की वैल्यू कमज़ोर होती है, डॉलर के मुकाबले में रुपया कमज़ोर होता है, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की। कैसे? देखो, सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए पहले एक डॉलर की वैल्यू थी 60 रुपीज़ के आसपास और एक पेन की कीमत थी 1 रुपया, यानी 1 रुपये में एक पेन आता था। तो अगर यूएसए का कोई सिटीजन इंडिया से पेन को इम्पोर्ट कर रहा था तो कितने पेन इम्पोर्ट कर सकता था एक डॉलर में? 60 पेन। लेकिन बाद में अब रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में कम हो गई है। आजकल एक डॉलर इजिकल टू 69 रुपीज। तो यूएसए का एक सिटीजन इंडिया से कितने पेन्स को इंपोर्ट कर पाएगा अगर पेन की कीमत पहले के कंपैरिजन में सेम है, अभी भी 1 रुपए का एक पेन आता है? तो यूएसए का सिटीजन आज की करेंसी की वैल्यू के हिसाब से 60 के बजाय 69 पेन्स इम्पोर्ट कर पाएगा। तो इसका मतलब जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। यूएसए का जो सिटीजन है वो ज़्यादा पेन इंडिया से इंपोर्ट करने लगेगा, क्यों? इंडिया से उसे फ़ायदा लगेगा अगर पेन को इंपोर्ट करेगा तो। लेकिन राइटर के हिसाब से ऐसा हमेशा नहीं होता और आज की सिचुएशन में भी ऐसा नहीं हो रहा है। रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया है, यानी रुपये में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी हमारे देश से जो एक्सपोर्ट है वो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी कितनी है। ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं कि किसी देश से एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा बढ़ेगा। और देखो, रुपए की जो वैल्यू है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा कम हो सकती हैं, क्योंकि हमारे देश में जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है। इस वजह से रुपए की वैल्यू और ज़्यादा कमज़ोर होगी। जैसे कि FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में धीरे धीरे स्लो हो रही हैं। अगर देखो ये इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आएगी तो इसका मतलब डॉलर हमारे देश में नहीं आएगा। डॉलर हमारे देश में नहीं आएगा तो डॉलर की कमी हो जाएगी, यानी सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा। आप बताइए, सप्लाई अगर किसी चीज़ की कम हो डिमांड ज़्यादा हो तो क्या होता है? उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ का रेट बढ़ जाता है। उसके बाद रीज़न है रुपये की वैल्यू और ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है आने वाले समय में। सॉफ्टवेयर की जो अर्निंग्स हैं वो भी कम हो रही हैं। अगर देखो सॉफ्टवेयर की अर्निंग्स कम होगी तो इसका मतलब कम डॉलर आ रहा है। सेम लॉजिक फिर से लगाइए, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा। रेमिटेंस भी कम हो रही है। जैसे पहले रेमिटेंस में ग्रोथ रेट देखने को मिली थी 16%, लेकिन अब उसी टाइम फ्रेम में रेमिटेंस में ग्रोथ रेट देखने को मिली है 0.1%। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और कहते हैं रुपए की वैल्यू तो और ज़्यादा कमज़ोर होगी आने वाले समय में, लेकिन एक्सपोर्ट फिर भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट को अगर बूस्ट करना है तो आपको लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा और जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज करना होगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको देता हूं जिनकी सहायता से एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सकता है। जैसे देखो, लेबर लॉज हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। लेबर लॉज जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंटरप्राइजेस की, फार्म्स की, कंपनीज की, फैक्ट्रीज की जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ही कम हो जाती है। अगर फैक्ट्रीज की, फार्म्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें, तो लेबर लॉज
को सिंप्लीफाई करना होगा। उसके बाद पॉइंट आता है लॉजिस्टिक्स से संबंधित। आज भी देखो, मान लीजिए इंडिया के दूर दराज में कोई कंपनी है, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है किसी दूसरे देश में जहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस कंपनी को दूसरे देश में जहां पर डिमांड है वहां पर प्रोडक्ट को पहुंचाने में बहुत सारा खर्चा आ जाएगा, यानी लॉजिस्टिक्स से संबंधित जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे देश की फॉर्म्स यानी कंपनीज जो हैं वो पिछड़ जाती हैं चाइना जैसी कंपनी से, वियतनाम जैसी देशों की कंपनी से, क्योंकि वहां पे उन कंपनीज को लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन इन एक्सपोर्ट्स। अगर देखो आपको एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन लाना होगा, यानी आपको नए नए प्रोडक्ट्स पे फोकस करना होगा जिनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और नए नए रीजन्स पे भी फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ ही कंट्रीज पे फोकस कर रहे हो कि इन्हीं देशों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इनकी मार्केट्स को अभी तक इंडिया पूरी तरह से टैप नहीं कर पाया है, तो इन रीजन्स पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। आपको पता है ट्रेड वार चल रहा है फिलहाल कई सारे देशों के बीच, तो इस सिचुएशन में इंडिया को लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा, और यह भी इंश्योर करना होगा कि वो ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया के हितों के अगेंस्ट ना हो। मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट कंसर्न्स को ध्यान में रख के इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ। पॉइंट्स देखो और भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन बेसिक हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स का सामना करना पड़ता है हमारे देश में फार्म्स को, इससे उनकी जो क्षमता है एक्सपोर्ट करने की वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ हमारे देश में काफी ज्यादा है। इवन सरकार की जो एग्रीकल्चर संबंधित पॉलिसी है वो भी एक्सपोर्ट के विरुद्ध जाती दिखाई दे रही है। सरकार ने विभिन्न खरीफ क्रॉप्स के MSP को इंक्रीज कर दिया। अब देखो अगर किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य मिलेंगे हमारे देश के डोमेस्टिक मार्केट में ही, तो कैसे किसान अपनी फसल को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर फोकस करना होगा, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी, हर तरह की प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना होगा अगर सरकार एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहती है। तो सिर्फ ये एज्यूम करना कि रुपए की वैल्यू कम हो गई है डॉलर के मुकाबले में, इससे एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे बाद में एक आंकड़ा भी दिया जाता है आर्टिकल में, कंपैरिजन किया गया है वियतनाम के साथ। वियतनाम के साथ हमारा कंपटीशन रहता है, वियतनाम भी टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है USA को, और हम भी टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं USA को। तो देखो पिछले कुछ समय में वियतनाम की जो करेंसी है वो 10% तक कम हुई है डॉलर के मुकाबले में, हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में 30% तक कम हो गई है, लेकिन फिर भी हमारा जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल सेक्टर में USA को वो बहुत कम इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 1%। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित वियतनाम का जो एक्सपोर्ट है USA को उसमें 5% इजाफा देखने को मिला है। तो देखो मतलब साफ है, अगर करेंसी के डेप्रिसिएट होने से हमें फायदा मिलता है, रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कमजोर हुई है, हमें फायदा है एक्सपोर्ट में, लेकिन हमारे जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, चाइना, उन देशों की करेंसी भी तो डेप्रिसिएट हुई है ना, उनको भी तो एक्सपोर्ट के मामले में एडवांटेज मिल रहा है ना। तो इसलिए सरकार को प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना ही होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एक्सपोर्ट के बारे में। क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। देखो इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ करेंसी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दूसरे फैक्टर्स, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, ये फैक्टर्स भी एक्सपोर्ट को डिटरमाइन करते हैं। इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ड्रग्स अब्यूज की प्रॉब्लम के बारे में है। आप GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो पंजाब में ड्रग्स अब्यूज एक बड़ी समस्या है, आपको पता है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार जो चुन के आई थी, उनका बड़ा प्रॉमिस यही था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ड्रग्स अब्यूज की प्रॉब्लम को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। उसके बाद उस स्पेशल टास्क फोर्स ने थाउजेंड्स ऑफ ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ये स्पेशल टास्क फोर्स डायरेक्टली CM को रिपोर्ट करती थी। मतलब साफ है, पूरी पावर्स, पूरी अथॉरिटी दी गई थी इस स्पेशल टास्क फोर्स को। और ऐसा नहीं है कि स्पेशल टास्क फोर्स ने अब काम करना बंद कर दिया है, अभी भी ये स्पेशल टास्क फोर्स काम कर रही है। NDPS एक एक्ट है ड्रग अब्यूज से संबंधित, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोफिक सब्सटेंस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत 4000 कन्विक्शंस अभी तक हो चुकी हैं, और 5600 के आसपास, यानी 5600 के आसपास केसेस
चल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कन्विक्शन रेट जो है इस एक्ट के अंतर्गत वो है 82%। अब देखो, इन स्टेप्स को डिस्कस करने के बाद ऐसा लगता है कि पंजाब में जो ड्रग्स एब्यूज की समस्या है वो बेशक खत्म ना हुई हो, कम जरूर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रग एब्यूज की जो समस्या है पंजाब में कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। और फिर से सरकार के ऊपर अब काफी सारा प्रेशर है। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई थी, काफी दुखद वो वीडियो है, एक यूथ जो ड्रग ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी मदर उनके पास बैठी हुई रो रही हैं, और जो बॉडी है वो उस यूथ की कूड़े के एक ढेर के पास है। मतलब बहुत सारी वायरल हुई ये वीडियो। उसके बाद से ही सरकार के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर है कि कैसे ना कैसे करके इस समस्या को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। तो पंजाब सरकार ने अब मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो ड्रग केसेस में जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं उनको भी मौत की सज़ा दी जाए, ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो। आरोप तो ये भी लग रहा है पंजाब सरकार पे कि वो ड्रग्स की वजह से जो डेथ हुई हैं उसके आंकड़े को वो घटा के बता रहे हैं, क्योंकि सरकार पे और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा अगर पब्लिक डोमेन में वो आंकड़ा रिलीज होगा, ट्रू आंकड़ा कि ड्रग्स की वजह से कितनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक प्रीवियस जजमेंट है, उस जजमेंट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि NDPS एक्ट में मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी पंजाब सरकार की जो डिमांड है, पंजाब के CM ने जो मांग की है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस मांग को नहीं मानेगी। वैसे पंजाब सरकार ने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक है DAPO प्रोजेक्ट, यानी ड्रग्स एब्यूज प्रिवेंटिव ऑफिसर। पंजाब सरकार ने कहा कि वो लोग जो अपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वो ऑफिसर्स सोसाइटी में जाएंगे और अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे कि ड्रग्स एब्यूज से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे ड्रग्स एब्यूज प्रिवेंटिव ऑफिसर। और एक नॉर्मल सिटीजन भी अपने आप को एज ए वॉलंटियर रजिस्टर करवा सकता है इस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम में। तो अच्छी बात यह हुई कि हजारों लोगों ने रजिस्टर करवाया इस प्रोग्राम में। इवन पंजाब सरकार के जो 3.5 लाख एम्प्लॉइज हैं उनके पोटेंशियल को भी यूटिलाइज किया गया पंजाब सरकार के द्वारा, ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाई जा सके। हालांकि कितनी इफेक्टिव ये एक्सरसाइज साबित हुई उसका इवेल्यूएशन अभी करना बाकी है। उसके बाद बड़ी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। बड़ी प्रोजेक्ट स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें क्या है, सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को कवर किया गया है, ताकि वहां पर जाके सभी स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को ड्रग्स की प्रॉब्लम के बारे में अवेयर किया जा सके। अभी ये पंजाब के कुछ ही एरियाज में चलाया जा रहा है और जल्द ही इसे पूरे पंजाब में चलाया जाएगा। टीचर्स और पेरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा इस बड़ी प्रोजेक्ट में। तीसरे नंबर का पॉइंट है आउट पेशेंट ओपियोड असिस्टेड ट्रीटमेंट, OOAT। देखो आउट पेशेंट क्या होता है, इन पेशेंट तो वो हेल्थ सर्विस होती है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और इलाज करवाता है। आउट पेशेंट केयर वो केयर होती है कि पेशेंट गया सुबह क्लिनिक से, दवाई लेके आया, वापस नॉर्मल रूटीन चल रहा है, बस जाना पड़ता है रेगुलर रूप से हॉस्पिटल में, तो वो केयर कहलाती है आउट पेशेंट केयर। तो आउट पेशेंट क्लिनिक्स खोले गए हैं पंजाब सरकार के द्वारा और वहाँ पर बूप्रीनोरफिन दी जा रही है, ये एक प्रकार से ओपियोइड का सब्स्टिट्यूट है। तो कोशिश यही है कि हीरोइन और ओपियम की एडिक्शन को छुड़ाया जाए यूथ से। उसके बाद है कॉन्फिस्केशन एक्ट, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, कॉन्फिस्केशन ऑफ ड्रग डीलर्स प्रॉपर्टी एक्ट लाया जाएगा। मतलब वो पर्संस जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो पकड़े गए उनको सजा तो होगी ही होगी, उनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि देखो इस एक्ट को लाने का कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी जो एक्ट है NDPS एक्ट, इस एक्ट में ये प्रोविजन है। इवन STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स जो गठन की गई थी और जो हमने बात किया कि पहले डायरेक्टली रिपोर्ट करती थी CM को, बाद में हायरार्किकल इश्यूज आए, इस स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा एक इंस्पेक्टर और एक SP रैंक के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया ड्रग एब्यूज के चार्जेस में। उसके बाद काफी एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। अब यह स्पेशल टास्क फोर्स रिपोर्ट करती है DGP को। मतलब सीरियसनेस जो शुरुआत में दिखाई दी थी वो सीरियसनेस एक बार फिर से दिखाई देने लगी है, लेकिन वो तब दिखाई देने लगी है जब ऑपोजिशन बहुत ज्यादा प्रेशर माउंट कर रही है सरकार पे। अगर देखो ड्रग्स एब्यूज की समस्या को खत्म करना है तो सरकार कुछ ही दिनों के लिए तेजी दिखा के बाद में आराम से नहीं बैठ सकती, सरकार को कंटिन्यूस तेजी दिखानी होगी, क्योंकि जो ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ड्रग्स के पेडलर हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा व्यापार है
और सरकार को अपने एफर्ट्स को और ज्यादा रिन्यू करना होगा अगर इस ड्रग्स की समस्या को पूरी तरह से खत्म करना है। तो ड्रग्स एब्यूज की जो समस्या है वो यूथ की एक पूरी जनरेशन के जीवन को खा रही है, तो सरकार को और ज्यादा सीरियसनेस से इस समस्या पे काम करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ड्रग एब्यूज की प्रॉब्लम के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। सबसे पहला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया वो था वुमन सेफ्टी के बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आर्टिकल हमने डिस्कस किया एक्सपोर्ट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। रुपए के डेप्रिसिएशन के बावजूद एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हमने डिस्कस किया ड्रग अब्यूज की समस्या को अगर पंजाब से खत्म करना है तो सरकार को और ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।